रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बहुजन विकास सेवा संस्था के बैनर तले वसई में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। वसई की एक सामाजिक संस्था बहुजन विकास सेवा संस्था के बैनर तले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष समाज सेवक दीपक जाधव द्वारा आयोजित इस बाइक रैली में शामिल होने सातीविली के स्थानीय नगर सेवक सुनील आचोलकर के साथ पूर्व नगर सेवक मोहम्मद खटिक भी पहुंचे। रैली का शुभारंभ नगर सेवक सुनील आचोलकर द्वारा झंडा दिखाकर किया गया। रैली से पूर्व बहुजन विकास सेवा संस्था के कार्यालय के बाहर बनाए गए मंच के पास तिरंगे झंडे को सलामी देकर राष्ट्रगान का पाठ किया गया। बाइक रैली में हिस्सा लेने क्षेत्र के करीब 150 से ज्यादा युवक भी हाजिर हुए। यह रैली सातीवली के गांव देवी मंदिर से शुरू होकर सातीवली नाका होते हुए क्षेत्र के विभिन्न गलियों से होते हुए वसई विकास सेवा संस्था के कार्यालय पर समाप्त हुई। वसई से यूसुफ अली की एक रिपोर्ट। कौन कौन शामिल होने में जानकारी दीजिए। ये हमारा एक बहुजन विकास सेवा संस्था जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के संस्था के नाम से हो रहा है और इसमें सभी जाति धर्म के लोग और यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं और खास करके जवान लड़के लोग हैं, इसमें खास करके भाग लेते हैं रैली में। तो कहाँ से ये रैली कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? ये अपना रैली है, ये अपने गावदेवी मंदिर से लेके धन्य नगरी साई बाबा मंदिर से लेके बापा सीताराम मंदिर और इसका समारोह बहुजन विकास सेवा संस्था ऑफिस के इधर हो जाएगा। इस रैली के पीछे का मकसद क्या है? इस रैली के पीछे का मकसद है कि इस देश में जो जाति भेद चल रहा है, ये हिंदू ये मुस्लिम, ये सभी ये झंडे के नीचे सभी धर्म को एक लाने का उद्देश्य है और ये अपने देश के जवानों में खास करके अपने देश का स्वाभिमान बढ़े और हिम्मत बढ़े, अपने देश के लिए उनको कुछ करने की एक ये बढ़े, इसके लिए रैली हो रही है। ये कितने साल है कि इसमें रैली आप आयोजन कर रहे हैं? ये मेरा तीसरा साल है, हमारे ट्रस्ट का संस्था का तीसरा साल है और बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। अच्छा, इसके आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सभी लोग शांतिपूर्वक इस सातीवली में या भारत में अच्छी तरह रहे और ना जातिभेद करते, देश का सम्मान करे और जो प्रजासत्ता दिन है, जो बाबा साहब ने जो घटना लिखी है, उस घटना के आधार पर जाति याद ना करे और सभी को सभी बांधव यहाँ से अच्छे से रहे। आज भारत का प्रजासत्ताक दिन है, ये प्रजासत्ताक दिन नहीं है, देश का त्यौहार ही है, इसको त्यौहार तरह मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज हर्षोल्लास का वातावरण है और इस वातावरण के अंदर सातीवली का जो परिसर है, यहाँ पे एक भारत देश की मिसाल है। यहाँ पे पूरे राज्य से, मैंने बिहार से रहेंगे, उत्तर प्रदेश से रहेंगे, नेपाल से रहेंगे, बंगाल से रहेंगे, केरल रहेंगे, उड़ीसा रहेंगे, गुजराती रहेंगे, हर एक राज्य के हर एक प्रांत के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और हर जगह पे मैं सोसाइटी में रहे, स्कूल में रहे, प्राइवेट स्कूल में रहे, झंडा लहराया जाता है और इसका प्रतीक सातीवली माने ये भारत देश का एकता का प्रतीक है। हमारे मित्र यहाँ के युवा कार्यकर्ता दीपक जाधव, ये भी इस प्रोग्राम में कम नहीं पड़ रहे, उन्होंने हर साल एक रैली का आयोजन किया है ताकि अपनी एकता और अखंडता बनी रहे और ये ऐसे अगर प्रोग्राम अपन करते रहेंगे तो समाज के अंदर अपने देश के प्रति प्यार और अच्छी भावना पैदा हो सकती है। आप क्षेत्र के स्थानिक जनप्रतिनिधि हैं, नगर सेवक हैं, तो यहाँ की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश इतना ही रहेगा कि आज ये कितने सालों से यहाँ पे हमारे लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर जो यहाँ के MLA हैं, ये 35-40 साल से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं और उनके साथ में पूरा समाज, हर धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़े हुए हैं। मैं सभी मेरे भाइयों और सभी मेरे माता भगिनी को कहूँगा कि जो अपनी एकता बनाए हैं, ऐसी एकता आने वाले समय में बनाते रहे और आने वाली पीढ़ी को यही मार्गदर्शन करेंगे और अपनी एकता और अखंडता।